कभी भी कोई भी डिश को खाने से पहले हमारी नज़र उसकी तस्वीर खींच के दिमाग में फीड करता है। अगर खाना दिखने में दिलचस्प हो, मन तो हमारे अपने आप ही तैयार होता है। ये सोचने के लिए वाव, इसे तो ज़रूर ट्राई करना है। तो जाहिर सी बात है, खाने में स्वाद के साथ साथ सोच और सूरत भी मायने रखती है। अब आप सोच रहे होंगे, हम तो स्टार होटल के शेफ्स नहीं हैं, इनोवेटिव खाना पेश करने के लिए हमारे पास आधुनिक सामग्री भी नहीं है। फिक्र मत कीजिए, आज हम सोच में इनोवेशन लाके बहुत ही आसानी से बनाएंगे सूजी ट्विस्टर। नमस्कार दोस्तों, है बास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एक बाउल में 1.5 कप बारीक सूजी लेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच तेल और इसे अच्छे से मिला देंगे। तेल डालने से एक अच्छा सा खस्ता बनाता है। सूजी नम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे गूंदना शुरू करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी को डालते हुए अच्छे से गूंदेंगे। लगभग 7 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे। इस डिश में बारीक सूजी ही इस्तेमाल करें। ये रहा सूजी का नरम लोई तैयार। इसके ऊपर 1 चम्मच तेल डाल के अच्छे से चिकना कर लेंगे और 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद लोई को एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। सूजी सब अच्छे से फूलकर पानी को सोख लिया है। सूजी का नरम लोई तैयार है। अब इस लोई से छोटा सा लोई लेके इसको इस तरह लंबा कर देंगे। अब इसे फोक के पीछे की तरफ रख के हल्के से दबा के फैलाएंगे। अब लोई को लपेटते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये रही इसका परफेक्ट शेप। तेल गरम है, अब एक एक करके इसे गरम तेल में तलेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में ना चिपके और एक समान रूप में पक जाए। इसे मध्यम आंच पे ही तलेंगे। एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में नहीं तलना है, वरना ये अच्छे से नहीं तलेगा। जब ये खस्ता और सुनहरा रंग में बदल जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। ये रहा खस्ता और स्वादिष्ट सूजी ट्विस्टर तैयार। इसे एयरटाइट डिब्बे में भर के 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। है ना कितना आसान। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।